हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ये सेक्शन यूनिट जो चल रहा है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी का। मैंने आपको अभी तक सॉल्व और सजेशंस कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर जून 2016, दिसंबर 2016, जून 2017। और अब हम पहुंच चुके हैं दिसंबर 2017 के पेपर में। काफ़ी क्वेश्चंस इसके आसान टाइप के रहते हैं। अगर आपको आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो मैं ज़रूर कहूँगा ये यूनिट जो है आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो दिसंबर 2017 के पेपर में हमारा जो यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी वो हम देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी और सी के क्वेश्चंस को चलते हैं जल्दी से सेक्शन बी के क्वेश्चंस पे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आया था इस यूनिट पे जो दिसंबर 2017 के पेपर में, सेट ए अगर आप देखेंगे तो वो था क्वेश्चन नंबर 49। कहता है two mutant plants, ठीक है। दो म्यूटेंट प्लांट है, बोथ बीरिंग वाइट फ्लावर्स वर क्रॉस्ड, ठीक है। दोनों में वाइट फ्लावर था, उनको क्रॉस कराया गया। ऑल F1 प्लांट्स हैड रेड फ्लावर, ठीक है। इसको भी मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्निप करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, दो म्यूटेंट प्लांट हैं, ठीक, दोनों वाइट फ्लावर हैं, उनको हम क्रॉस कराते हैं और F1 प्रोजेनी में हमारा रेड कलर का फ्लावर आता है। देखते हैं क्वेश्चन, प्रोजेनी में हमारा ये देखिए आ गया, ठीक है। दो क्या है, वाइट फ्लावर वाले हैं, वाइट फ्लावर वाले थे प्लांट, इनको हमने क्रॉस कराया, क्रॉस से आता है हमारा रेड कलर का फ्लावर, ठीक है। और जब इसे सेल्फिंग कराया गया, मतलब सेल्फिंग का मतलब इसी को इसे क्रॉस कराया गया, तो कहते हैं रेड और वाइट का जो रेशियो था वो था 9:7, ठीक है। कह रहा है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, मतलब हमें 9 रेड मिला था और 7 वाइट कलर के फ्लावर मिले थे। कह रहा है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। तो आपको चार स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग, देखना है कौन सा सही होगा। द म्यूटेशन इन पेरेंट्स डू नॉट कम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये कम्प्लीमेंटेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब दो दो म्यूटेंट अलग अलग हो, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके कोई प्रोडक्ट बना दे, तो कॉम्प्लीमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड, द म्यूटेशंस इन द पेरेंट्स आर एलिलिक, ये एलिलिक भी म्यूटेशन नहीं है। अगर एलिलिक म्यूटेशन होता, जैसे मान लीजिए वाइट के लिए कैसा है, वाइट कौन सा कलर होता है, रेसेसिव कलर होता है। मान लीजिए इसका RR होगा, इसका RR होगा वाइट, ये दोनों प्लांट का हमने क्रॉस करा है, मान लीजिए जो प्रोजनी आएगी RR होगी, वो कैसा होगा, उसे भी वाइट होना था। तो ये एलिलिक म्यूटेशन नहीं है अगर ऐसा होता तो, मतलब करेक्ट नहीं है। थर्ड पे आते हैं, द म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर नॉन एलिलिक, या चौथा द म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर लिंक, लिंकिंग वाले से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो है द म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक का मतलब इसके फ्लावर कलर के लिए दो दो जीन है, जैसे कि आर ये आर आर और एल एल, ठीक है, ऐसा टाइप का था। नहीं, समझ लीजिए आप, या आर आर और एल एल, इन दोनों जीन के इन्वॉल्वमेंट से ये, ठीक है, तभी रेड कलर का होता है। ये जीन कोई प्रोडक्ट बनाएगा इस पर, ये वाइट कोई प्रोडक्ट बनता है इस पर, ये जीन काम करता है, ठीक है, और दूसरा जीन इस पर काम करता है तब ये रेड पे कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये वाइट था एक के एब्सेंस में, एक में म्यूटेशन था, दूसरे में इसका म्यूटेशन रहा होगा तब ये वाइट प्रोडक्ट दे रहा था। जब दोनों साथ मिले उनका क्रॉस में, तब वो रेड प्रोडक्ट हमारा बन गया क्योंकि दोनों साथ में आ गए। लेकिन जब उसका सेल्फिंग कराया गया तो हमने देखा 9 जो है हमें रेड मिले और 7 वाइट मिले। जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे ना, दो डबल एलील एलील का ऐसे ऐसे करके, तब आप देखेंगे जिसमें ये कैपिटल होगा, आर जिसमें कैपिटल होगा, या
दोनों मतलब कैपिटल होने चाहिए, जिसमें इसमें एक एक कैपिटल रहेगा वो आर देगा, और जिसमें अगर एक भी जीन रिसेसिव कंडीशन में आया तब वो क्या होगा, जो आपका ये नॉर्मल 9:3:3:1 का रेशियो आता है, ये केवल लाइन वाला तो रहेगा जो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, और जहाँ जहाँ पे एक जीन रिसेसिव होता है किसी ना मतलब पेयर में, वहाँ पे वाइट ही आपको मिलेगा। तो ये एपिस्टेसिस का एग्जांपल है, अगर आप एपिस्टेसिस पढ़ेंगे तब आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव या डुप्लीकेट रिसेसिव, क्या है ये डुप्लीकेट रिसेसिव आप पढ़ेंगे, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 50, ठीक, कह रहा है इस क्वेश्चन में आपका, इन अ लिंकेज मैप टू जीन्स ए बी आर 70 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, दो जीन जो है ए और बी 70 सेंटीमॉर्गन अपार्ट हैं, इफ़ इंडिविजुअल हेटरोजाइगस फॉर बोथ जीन्स आर टेस्ट क्रॉस, अगर दोनों के इंडिविजुअल जो है हेटरोजाइगोट हैं उनको हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और बोथ टेस्ट क्रॉस नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेरेंटल फिनोटाइप विल बी, कितना होगा इसको भी मुझे आपको इसमें करके दिखाना होगा, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है दो जीन है आपके पास, ठीक है, देखते हैं उसे ए और बी, ये आपका आ गया, ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन उठाते हैं, कह रहा है ए और बी जीन है, ये कितना 70 सेंटीमॉर्गन एक दूसरे से दूर है, इफ़ इंडिविजुअल हेटरोजाइगस फॉर बोथ जीन्स आर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एक इंडिविजुअल है हेटरोजाइगस है, मतलब ए बी दो जीन है, ये हेटरोजाइगस ए बी, हाँ, और इसको क्रॉस कराया ये ए बी ए बी, ठीक है, ये एक एक ऑर्गेनिज्म का और दूसरे में बी ए बी ए बी, अब ये दो जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे दोनों क्या हुए, हेटरोजाइगोट हो गए, ठीक है, हेटरोजाइगोट का मतलब यही होता है ना, ए ए बी बी ए ए बी बी, तो ये दोनों पेरेंट हेटरोजाइगस से, कह रहा है दोनों का डिस्टेंस इतना है और हमने दोनों को, ये दोनों जीन 70 सेंटीमॉर्गन अपार्ट है और दो को हमने हेटरोजाइगोट को इन इंडिविजुअल हेटरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स आर टेस्ट क्रॉस द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद पेरेंटल फिनोटाइप, कह रहा है हमने इसको टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस किससे होगा, हेटरोजाइगोट का हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, एक बार से मैं इसका लिंक इरेज कर दूँ, हेटरोजाइगोट मतलब ए ए बी बी का हम टेस्ट क्रॉस मतलब रिसेसिव वाले पेरेंट से ऐसा कराएंगे, कह रहा है जो इससे प्रोजेनी आएगी, नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ पेरेंटल फिनोटाइप की कितना होगा, तो इसको आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ए लिखेंगे बी ए बी ए बी ए बी, और इसको किससे कराएंगे, ए बी से, इससे चार गैमेट निकलेंगे, ए बी ए बी ए बी और ए बी, ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस कराइए इसका सबका, ठीक है, इसका चारों का, इसका चारों का, इसका चारों का, तो जो आपको यहाँ पे मिलेगा आप देखेंगे आपको मिलेगा चार इसका मिलेगा सेम, चार इसका मिलेगा सेम, चार इसका सेम ही मिलेगा, क्योंकि इधर तो सारा सेम ही है और इधर का सारा सेम ही है, ठीक है, तो चार चार ऐसे करके मिलेगा, तो आपको देखेंगे आठ जो है आपका आठ वो हेटरोजाइगोट ही मिलेगा, ठीक है, और आठ जो है वो टेस्ट क्रॉस जिससे हमने कराया रेसेसिव वाले ही मिलेंगे, मतलब ए बी आठ मिलेगा और ये मिलेगा ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी हेटरोजाइगोट मिलेगा, ये आपको ऐसे ए ए बी बी ऐसे, ठीक है, ये आठ आठ, तो वही आपको बताया, वही मैंने आपको करके दिखाया, आठ आठ मिलेगा, आप वही कह रहा है पेरेंटल फिनोटाइप कितना होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजनी विथ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप, मोर देन द नंबर ऑफ प्रोजनी विथ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप, और लेस देन द नंबर ऑफ प्रोजनी
विथ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप, ये आपको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे कितना होगा कि इफ इंडिविजुअल हेटरोजाइगोट फॉर बोथ द जीन्स आर टेस्ट क्रॉस, हमने टेस्ट कराया, नंबर ऑफ प्रोजनी विथ पेरेंटल फिनोटाइप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजनी विथ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट, अरे ये मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी और ए बी, यहाँ पे आप इधर ए बी इसे क्रॉस कराएंगे ना, तो इधर जो आपको मिलेगा ये चार, आपको क्या मिलेगा ए बी, और इधर जो आपको चार मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको ए बी, ये तो पेरेंटल हो गया। और इधर जो आपको मिलेगा आठ, ठीक है, ये क्या होगा, रिकम्बिनेंट मिलेगा, मतलब ये अलग होगा, ऐसा होगा ए बी और ए बी, ये रिकम्बिनेंट हो गए, तो आठ पेरेंटल आठ रिकम्बिनेंट, तो वही कह रहा है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजनी विथ रिकम्बिनेंट, ये पेरेंटल हो गया ये रिकम्बिनेंट, तो ये इक्वल होगा, ये पहला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे, अ रिसर्चर एक्सपोज ड्रोसोफिला लार्वी टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक रिसर्चर ने क्या किया, ड्रोसोफिला के लार्वा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड को पे एक्सपोज किया। वन ऑफ द एडल्ट फ्लाइज दैट इमर्जेस हैड अ क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप। कह रहा है जो इससे एडल्ट इमर्ज हुए वो, उनका फिनोटाइप क्या था, क्रॉस वेनलेट। अब आप, क्रॉस वेनलेट इज अ नोन म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला। कह रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ड्रोसोफिला का लार्वा को हम एक्सपोज कराते हैं तो उसमें फिनोटाइप कैसा आता है, क्रॉस वेनलेट। क्रॉस वेनलेट म्यूटेंट भी, म्यूटेंट से भी बनता है। व्हेन दिस क्रॉस वेनलेट फ्लाई वाज क्रॉस टू अ नोन क्रॉस वेनलेस म्यूटेंट। अब इस जो ये टेम्परेचर वाले से क्रॉस वेनलेस आया था, जब हमने इसको क्रॉस कराया म्यूटेंट वाले क्रॉस वेनलेट से, कह रहा है ऑल द प्रोजनी हैड नॉर्मल, सभी जो प्रोजनी बनी वो नॉर्मल फिनोटाइप की थी। ठीक है, द ऑब्जर्व फिनोटाइप कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। अब कह रहा है जो चीज़ आपने देखी वो, उसका एक्सप्लेनेशन किससे हो सकता है बेस्ट। ठीक है, तो इसका मैं बता दूँ, जो आप बेस्ट होगा एक्सप्लेनेशन वो होगा कौन सा, फिनोकॉपी जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन फिनोकॉपी। जब आप फिनोकॉपी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएशन एंड फिनोटाइप विच इज कास्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ड्रोसोफिला का लार्वा था यहाँ पे, हमने इसे 37 डिग्री पे एक्सपोज किया और क्रॉस वेनलेट हमें मिला, और ये क्रॉस वेनलेट जेनेटिक डीएनए में गड़बड़ी से भी क्रॉस वेनलेट आता है। जब हमने दोनों को क्रॉस कराया तो नॉर्मल फिनोटाइप मिला हमें। ठीक है, नॉर्मल फिनोटाइप मिला। अब ये एक सा एग्जांपल ही है, फिनोकॉपी का एग्जांपल ही है, ना तो कंडीशनल म्यूटेंट का, ना पेनेट्रेंस का, ना प्लियोटॉपी का, ये एग्जांपल ही है फिनोटाइप का, जहाँ पे टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो जेनेटिक कंडीशन से मैच करते हों। मतलब एक तो डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो क्रॉस वेनलेट हुआ, एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस ने जेनेटिक से जो जेनेटिक चेंजेस से जो फिनोटाइप आता है वैसा फिनोटाइप दिया, उसे क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी। ठीक है, होप कि आपको ये भी समझ में आएगा, तो आपको यहाँ पे फिनोकॉपी का डेफिनेशन पढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, फेजेस आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इकोलाई डोनर स्ट्रैंड ऑफ जीनोटाइप। अब आपको वहाँ पे मैंने बताया इंटरप्टेड मेटिंग हर जगह से आ रहा है, तो यहाँ पे एक डोनर है।
ठीक है, डोनर से आप याद रखेंगे, डोनर क्या है, डोनर के पास सिस प्लस, ल्यू प्लस और थ्रियोनीन प्लस, ये है डोनर। ठीक है, कह रहा है ये डोनर है एंड यूज टू ट्रांसड्यूस अ रिसिपियंट ऑफ जीनोटाइप। अब ये जाएगा एक रिसिपियंट के अंदर जहाँ पे क्या है, सिस माइनस, ल्यू माइनस और थ्रियोनीन माइनस, ये म्यूटेशन है और इसके पास उसी जीन में सारे वाइल्ड टाइप के जो डोनर है। द ट्रीटेड रेसिपियंट पॉपुलेशन इज प्लेटेंट, अब जो हमने जो रेसिपियंट पॉपुलेशन हो उनको ट्रीट किया, मतलब ट्रांसड्यूस कराया ऑन अ मिनिमल मीडिया सप्लीमेंटेड विथ ल्यूसीन एंड थ्रियोनीन। अब हमने एक मिनिमल मीडिया लिया, यहाँ पे मीडिया मतलब जिस पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसमें क्या है हमारा, पहले से ही ल्यूसीन और थ्रियोनीन है, मतलब अगर उस माइक्रोब्स के अंदर ये नहीं बन रहे हैं तो वो मीडियम से वो चीज़ ले लेगा। ठीक है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो ग्रो कर जाएगा ल्यूसीन और थ्रियोनीन के एब्सेंस में भी। ठीक, तो मेनी कॉलोनीज ग्रो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप आर अप्रोप्रिएट फॉर द कॉलोनीज दैट ग्रो, कह रहा है वो कौन सी कॉलोनीज होंगी जो ग्रो कर जाएंगी उस प्लेट पे। अब मैं आपको बता दूं, थ्रियोनीन ल्यूसीन थ्रियोनीन जो मीडिया में है, अगर वो उसका जीन उस बैक्टीरिया में ख़राब है, ट्रांजेक्शन के बाद भी वो नहीं ठीक हुआ, फिर भी वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे क्योंकि ल्यूसीन और थ्रियोनीन उस मीडिया में है। लेकिन सिस्टीन जो है ये उस जो भी रिसिपियंट था उसके अंदर माइनस है और ना तो हमने मीडिया में दिया है, तो उसका ट्रांजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो सिस प्लस होना बहुत ज़रूरी है उस वो बैक्टीरिया के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पहले में क्या है, इधर सिस प्लस है, सिस्टीन प्लस है, ठीक है, कॉमा दिया है, यहाँ पे सिस प्लस है, ठीक है, यहाँ पे सिस माइनस हो गया तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। फिर यहाँ पे सिस माइनस पहले ही दे दिया है और दोनों प्लस हैं, ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। यहाँ पे सिस माइनस दे दिया, सिस माइनस दे दिया, सिस माइनस दे दिया, ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। बचता क्या है आपका, केवल ये सिस प्लस होना चाहिए क्योंकि सिस का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, मीडिया में थ्रियोनीन ल्यूसीन है, तो अगर ल्यूसीन और थ्रियोनीन माइनस भी है तब उसे मीडिया से मिल जाएंगे और प्लस होंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सिस का प्लस होना बहुत ज़रूरी है वरना वो बैक्टीरिया सिस्टीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसे मीडिया में दे ही नहीं रहे। ओके, तो चौथा ऑप्शन सही था। तो यहाँ से काफ़ी आसान क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन सी के क्वेश्चंस पे। ओके, और ये पहला ही क्वेश्चन जो आया है हमारा पार्ट सी से, वो जो है ट्रांसडक्शन से ही है और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था वहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डेटा, जो फॉलोइंग टेबल है यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, टेबल्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है क्या लिखा है, वरना आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आता ही है लगभग। ठीक है, फॉलोइंग टेबल है, कह रहा है फ्रॉम थ्री इंटरप्टेड मीटिंग एक्सपेरिमेंट। अब वहाँ पे जैसे पिछले और अभी जस्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे क्या था, एक ही डोनर था, एक ही रिसीवर था, यहाँ पे तीन डोनर हैं, HFR1, HFR2, HFR3, तीन डोनर हैं यहाँ पे और F माइनस स्ट्रेन भी हैं। ठीक है, तीन अपी ये देखिए यहाँ पे दिया है अपीयरेंस ऑफ जीन इन F माइनस सेल्स। ठीक है, तो इसको भी मुझे वो करना होगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऑप्शंस दिखते रहे आपको। ठीक है, अब मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, वही से क्वेश्चन है, इंटरप्टेड मीटिंग से आपको यहाँ पे देखना पड़ता है, जैसे जो भी होता है ना डीएनए पे जीन का ऑर्डर तो वही रहता है, तो उस वो सेम ही टाइम पे जाएगा। HFR1 है यहाँ पे, देखिए एक ये आपका, दो ये और ये आपका तीन, तीन HFR है और रिसिपियंट ये क्या है, डोनर है, ये डोनर है और एफ माइनस सेल्स क्या है, रेसिपियंट है। ये बता रहा कितने टाइम में डोनर से एफ माइनस सेल में जाता है। ठीक है, ये जीन्स और जीन हमेशा जैसे है डिस्टेंस पे रहेंगे, सारे HFR में सेम डिस्टेंस पे रहेंगे पर अलग अलग टाइमिंग पे यहाँ पे गया है, उसके बेसिस पे आपको ऑर्डर और डिस्टेंस मिनट में बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं,
पिछली बार की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा जीन्स, क्या है टाइम, HFR 1 से F- सेल्स में 6वें मिनट पे E प्लस जीन गया, 24वें मिनट पे F प्लस, 34वें मिनट पे C प्लस, 49वें मिनट पे D प्लस और B प्लस गया 54वें मिनट। तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं, E प्लस ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपको वो करना, C प्लस, D प्लस और B प्लस, ये हमें ऑर्डर मिल गया पहले वाले HFR से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले HFR से, B प्लस आपको मैच कराना, यहाँ पे है आपका B प्लस, ये B प्लस आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 6वें मिनट पे गया D प्लस, तो इसका ऑर्डर उल्टा है लेकिन जीन का सीक्वेंस आपको वही मिलेगा, ठीक है। C प्लस है, ये हमें C प्लस भी मिल गया, F प्लस है, हमें F प्लस भी मिल गया। अब आया G प्लस, यहाँ पे हम G प्लस लिख देते हैं, पर एक्चुअली आप देखेंगे E पहले है या G पहले है ये पता चलेगा आपको HFR 3rd से, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है D प्लस, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, अब ये HFR 3 को देखें, D प्लस है, D प्लस कहाँ है आपका, ये यहाँ पे, तो D प्लस लिख देते हैं। फिर क्या है C प्लस, C प्लस लिख देते हैं। अब F प्लस, ठीक है, E प्लस आ गया आपका, तब दिया है G प्लस, ये आपको अब पता चल गया कि 47वें मिनट में E प्लस गया और 61वें मिनट पे G प्लस, यानी E के बाद G है। आप तीनों को कंपेयर करा के ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। E के यहाँ पे आपको पता चला F के बाद क्या था, E आया था, इधर F के पास केवल G दिया हुआ था, इसमें E नहीं दिखाया था, पर HFR 3 स्ट्रेन से आपको पता चल गया इसमें E के बाद G आता है, तो ये वाला E इसमें रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा E, ठीक है। तो अब ऑर्डर क्या होगा आपका, आपको तीनों को ऐसे कंपेयर करना है, तीनों का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। ये अब आपको तीनों को ऑर्डर लिखेंगे ना, तो यहाँ से उठाइए B प्लस, यहाँ से उठाइए D प्लस, यहाँ से उठाइए C प्लस, अब यहाँ से उठाइए आप F प्लस, और मैंने आपको बताया पहले E आता है तब आता है G, ये E इसमें दिया है, यहाँ पे G, अब E प्लस और G प्लस, ठीक। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसी पे मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है। कह रहा है द फॉलोइंग आंसर्स आर डेराइव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग आंसर्स आर डेराइव्ड, द ऑर्डर ऑफ जीन इज, ऑर्डर क्या होगा जीन का, ई जी बी डी सी एफ, अब देखेंगे ई जी बी डी सी, एक्चुअली ये गोला गोला सा होता है, ठीक है, ये जो है आपका ये गोला गोला, एक बार मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूं। तो हमने कंपेयर करा के क्या पाया कि क्या था हमारा B D C F E और G, एक्चुअली ये गोला गोला सा होता है, तो ये हमें ऑर्डर मिला था अभी जो हमने सॉल्व किया था, तो क्या है E, कहीं से भी दे आपको ऑर्डर ही सेम रहना चाहिए, बस E, E के बाद, E के बाद वो ये वन, E के बाद G दिया है, यहाँ पे आप मैच कराइए, फिर B दिया है 3, D दिया है 4, C दिया है 5, F दिया है 6। अब आप पहला वाला ऑप्शन होगा, दूसरा वाला भी चेक करते हैं, F के बाद G, ये F, F के बाद G दे दिया है, जबकि F के बाद यहाँ पे क्या है E है, तो ये ऑर्डर गलत है आपका, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नीचे पूछा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर इज, तो जिसमें B दिया है हम उसको कट कर देंगे, हमारे पास दो बचता है A, C and D और A and B, हमें पता है सही है, अब देखना है B सही है या C और D सही है, कौन सा सही है। क्या है द डिस्टेंस बिटवीन F एंड G इज 32 मिनट एंड बिटवीन F एंड B इज 30 मिनट, ठीक है। अब ये और देखेंगे आप कि एफ जी के बीच में मिनट में आपको बस डिस्टेंस कर, एफ और जी, ये यहाँ पे आपका आ गया एफ और जी के बीच में डिस्टेंस कह रहा है 32 मिनट है, 31 में आप 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63, इसका मतलब सही है, और एफ जी कहीं और मिले वो भी देगी, ये है एफ जी के बीच का डिस्टेंस। 29 में आप 47 जोड़ेंगे आ जाएगा, अरे 29 में आप कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे, 29 प्लस 32 आप करेंगे
ये देखिए 9 2 11 और इधर 2 3 5 1 6 61 आ गई, ये 61वें मिनट पे जा रहा है। इसका मतलब F और G के बीच का डिस्टेंस 32 मिनट है, ये सही है। और F और B का डिस्टेंस कह रहा है 30 मिनट। F और B, ये यहाँ से F से लेके B का डिस्टेंस कितना है, कह रहा है 30 मिनट। 24 में आप 30 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, सही है। अब F और B इधर भी दिया हुआ है, एक में आप 30 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा, इसलिए ये भी सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब आपको पता चल गया कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन अभी डी भी दिया है, हमें देखना है डी भी सही होता है कि नहीं। कह रहा है सी और ई के बीच का डिस्टेंस 28 मिनट है। सी और ई ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे दूसरे कलर से कर देता हूँ, सी हो गया यहाँ पे, ई हो गया आपका यहाँ पे। 19 में आप कितना जोड़ेंगे, 28, 19 प्लस आप 28 करेंगे तो 9 8 17 2 1 3 आ गया, 2 1 3 1 4 47, ये देखिए 47वें मिनट पे जा रहा है। इसका मतलब ये भी सही है कि सी और ही 28 मिनट दूर है, और बिटवीन बी एंड सी इज 20 मिनट। बी, ये सी हो गया आपका या बी हो गया, कह रहा है 20 मिनट की दूरी पे है। तो 34 में आप 20 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, ये भी सही है। और कहीं से देख लेते हैं बी और सी ना, नहीं सी और, हाँ बी और सी पूछा, ये है बी आपका फिर से सी। देखिए 1 + 20 = 21, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए सी एंड डी। ठीक, होप कि आपको ये सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114 पे।